वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर नेक्स्ट वीडियो फ्राम चैप्टर टेन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेट्स मैटर आर इंटरचेंजबल स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजबल यानी कि मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं कैन चेंज इन डिफरेंट फॉर्म्स द थ्री स्टेट ऑफ वॉटर आर इंटरचेंजेबल एज एक्सप्लेन बिलो पुट सम वाटर इन अ फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर इट कैन चेंज इंटू आइस यानी इस टॉपिक का अर्थ है बच्चों की मैटर जो होता है इट कैन चेंज इट्स स्टेट बाय हीटिंग एंड कूलिंग लेट अस सी टेक आउट अ फ्यू पीस ऑफ आइस क्यूब्स फ्राम योर रेफ्रिजरेटर एंड पुट दिस इनटू अ बाउल व्हाट हैपन्स आफ्टर सम टाइम यानी फ्रिज से अगर हम आइस के टुकड़ों को निकाल कर एक बाउल में रख देते हैं तो कुछ देर के बाद हम क्या फील करेंगे हीट दिस वाटर एंड स्टार्ट इवोपरेटिंग स्लोली एंड चेंजेस इन टू वाटर वेपर सो चिल्ड्रन इसे हमने देखा होगा कि वो तुरंत वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और जब इस इसे हम गर्म करते हैं तो इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर दैट इज़ स्टीम यानी कि भाप में बदल जाता है दस आइस इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू टू वाटर एंड वैन वाटर इज हीटेड इट चेंजेस इन् टू वाटर वेपर

चेंज ऑफ वाटर वेपर इंटू लिक्विड बाई कूलिंग इज कॉल्ड कंडन एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इंटू सॉलिड बाई कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग यानि बच्चों याद रखोगे कि वाट इज कंडेशन यू ऑपरेशन फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग यानी पानी का सॉलिड में बदल जाना ड्यू टू कूलिंग इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग एंड वेपर का पानी में बदल जाना ड्यू टू कूलिंग इज कॉल्ड कंडेन्सेशन और लिक्विड का हीट होकर मेल्ट हो जाना सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना मेल्टिंग एंड लिक्विड का इवापोरेशन वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना इवापोरेशन कहलाता है यू कैन सीन द फिगर यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड है ये ओके, okay? सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है और लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड बनता है लिक्विड हीट होकर इवापोरेट होता है गैस में बदल जाता है और गैस ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है सो स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल यानी कि मैटर स्टेट मैटर के स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं ड्यू टू द ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग सॉलिड डिस इन लिक्विड अब हम बात करने वाले हैं वन मोर टॉपिक दैट इज सॉलिड डिस इन लिक्विड सम सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड्स when a a solid dissolve in a liquid it breaks down into tiny particles and the tiny particles spread throughout the liquid यानी कि जब भी हम कोई सॉलिड चीज़ें लिक्विड में घोलते हैं तो कुछ ऐसे सॉलिड uh, चीज़ें होती हैं और जो कि पूरी तरह पानी में घुल जाती है लिक्विड पे घुल जाती है तो होता क्या है एक्चुअली बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट टाइटली पैक्ड दे हैव सब स्पेस बिटवीन देम तो जब हम कोई भी सॉलिड जैसे कि शुगर या सॉल्ट जब घोलते हैं तो ये जो स्पेस है इसके बीच में जो स्पेस है इनके अंदर ये जाकर फिल हो जाते हैं आसानी से इसीलिए ये पूरी तरह डिसोल्व हो जाते हैं <coughs> यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है यू सी हम इसे देख सकते हैं Take a glassful of water, put what one teaspoon of sugar into it and stir it. यानी कि एक ग्लास वाटर हमने लिया उसमें एक चम्मच हमने चीनी डाला उसको घुलाया कैन यू शू शुगर ना नो हम उस शुगर को अब देख नहीं सकते बिकॉज शुगर इज़ पूरी तरह जो शुगर है दैट इज़ डिसोल्व इन वाटर यानी पानी के अंदर वो डिसॉल्व हो गया घुल गया मैंने सब्सटेंस सच एज शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व लिक्विड लाइक अ वाटर इट प्रोड्यूस अ सोल्यूशन यानी कि जब किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड या कोई भी सॉलिड चीज़ डिसॉल्व हो जाती है दैट्स मेक अ सोलूशन शुगर के और लिक्विड को अगर हम मिलाते हैं तो इससे शुगर सोलूशन बनता है ओके चिल्ड्रन द नेक्स्ट वी सी डू ऑल द सब्सटेंट्स इन वाटर क्या सारी चीज़ें पानी के अंदर डिसोल्व होती है नो पेंट ग्रीस कैंडल वैक्स डू नॉट इन वाटर इवन ऑयल ऑल्सो द सब्सटेंट्स विचो इन वाटर और लिक्विड आर कॉल्ड सोलबल ऐसे सब्सटेंट्स जो पानी में घुलनशील होते हैं दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट द सब्सटेंट्स विच डू नॉट डिस इन वाटर और लिक्विड आर कॉल्ड इन सॉलिबल सब्सटेंट्स यानी ऐसे सब्सटेंट्स जो पानी में डिसल्व नहीं होते हैं दैट आर कॉल्ड इन सॉलेबल सब्सटेंट्स शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिबल इन वाटर वाइल वैक्स एंड सैंड आर नॉट

लिक्विड को हम क्या कहेंगे बच्चों सॉल्वेंट कहेंगे और जो सब्सटेंस इसके अंदर हम डालते हैं द सब्सटेंस विच इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट तो शुगर हो गया बच्चों सॉल्यूट और वाटर uh, हो गया सॉल्वेंट जब इन दोनों को हम आपस में डिसॉल्व करते हैं तो दे मेक अ सॉल्यूशन वो एक सोलूशन बनाते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल सॉरी चिल्ड्रन थोड़ी सी सर्दी है uh, इसके लिए आई एम सॉरी सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रॉम द एग्जांपल यू कैन सी सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है जो सॉलिड सब्सटेंस हम लिक्विड के अंदर डालते हैं यानी जिस चीज़ को हम उस लिक्विड में घोलना चाहते हैं दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट यानी कि जिस लिक्विड में हम घोल रहे हैं जैसे कि अगर हम मिल्क लेते हैं और मिल्क के अंदर हम चीनी डालते हैं तो चीनी जो है बच्चों सॉल्यूट है और मिल्क क्या है दैट इज़ सॉल्वेंट ओके तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है और दोनों के मिश्रण से दैट इज़ जो तैयार होता है दैट इज़ सॉल्यूशन शुगर सल्यूशन ओके चिल्ड्रेन आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉल्वेंट सल्यूट एंड सल्यूशन वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट इट इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट पानी को बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट कहा गया है बिकॉज इट डिज़ोल्व मेनी बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि लिक्विड में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं इसीलिए इसे नेचुरल नेचर का एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट कहा गया है वॉट हैपन्स व्हेन थिंग्स डिसोल्व इन वाटर एक्चुअली जब पानी के अंदर चीज़ें जाती हैं सब्सटेंस जाते हैं तो क्या होता है इन द केस क्या होता है व्हेन वी पुट शुगर और सॉल्ट इन वाटर इट्स मॉलिक्यूल स्प्रेड थ्रू आउट द वॉटर एंड दे ऑक्यूपाई द एम्पटी स्पेस जैसा कि मैंने बच्चों अभी अभी आपको ऊपर ही बताया कि जो लिक्विड के जो मॉलिकुल्स होते हैं दे आर नॉट टाइटली पैक्ट दे हैव अ मालिकुलर स्पेस यानी कि उनके बीच में स्पेस होता है और इसी स्पेस पे जो सब्सटेंस हमने डाला है उसके मॉलिकुल्स जाकर फिट हो जाते हैं एंड एम्पटी स्पेस इन बिटवीन द मोलिकुल्स ऑफ वाटर दैट्स वाई द शुगर सोलूशन यूनिफॉर्मली स्वीट थ्रू आउट यानि कि इस प्रकार से इनके स्पेस में ये जाकर चीनी जो है वो बैठ जाती है घुल जाती है इसलिए हमें जो शुगर है वो पूरी तरह डिसॉल्व दिखाई पड़ती है नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी है लेटरसी टेक अ बीकर ऐड वाटर टू इट एट मार्क द वाटर लेवल बाय पेस्टिंग पेपर स्ट्रिप ऑन द आउटर वॉल ऑफ द बीकर यानि कि एक बीकर में हमने लिक्विड लिया यानि कि वाटर लिया उसके ऊपर हमने बाहर से एक मार्क लगा दिया कि इतने लेयर तक पानी है ओके okay, इतने लेवल तक पानी है द वाटर लेवल इन द बीकर रिमेन्स द सेम दिस शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सोलूशन रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट इससे ये क्या होगा बच्चों कि जब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे तब भी इसका लेवल जो होगा वो सेम ही होगा द इंडिकेट्स दैट द शुगर मॉलिक्यूल्स फिल अप द एम्प्टी स्पेस और उसका जो लेवल है उतना का उतना ही रहेगा जबकि हमने उसमें बहुत सारी चीनी डाली है तो ये चीनी कहा गया तो इससे ये शो करता है इससे ये शो ऑफ करता है बच्चों कि आ, शुगर जो है उसके जो मोलिकुलर स्पेस है उस पर जाकर वो फिट हो जाते हैं और इससे पानी का लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है अगर उसके बीच में स्पेस नहीं होता तो शुगर डालने के बाद क्या होता वाटर का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता बढ़ जाता ओके चिल्ड्रेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिस टेक अप एनी एक्स्ट्रा स्पेस शो सो दिस शोज दैट द There are empty space upon the molecules of water. The next, the solution of gases in liquids. वाटर डिसोल्व्स मैनी गैसेस वाटर कैन डिसोल्व गैसेस लाइक ऑक्सीजन यानी पानी के अंदर और भी बहुत सारी गैसेस भी डिजॉल्व होती हैं या सोलूशन ऑफ गैसेस भी हम इसे कह सकते हैं लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इन सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर कार्बन डाईऑक्साइड इज डिसोल्व अंडर द प्रेशर यानी कि सोडा सोडा बॉटल जो होती है उसके अंदर क्या डिसॉल्व होता है वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है अंडर प्रेशर व्हेन वी ओपन द बोटल ऑफ अ सोडा वाटर वी कैन सी द डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड एस्केपिंग आउट रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ बबल्स यानी कि जब हम सोडा बोतल खोलते हैं यानी पेप्सी वगैरह की जो बॉटल्स वगैरह खोलते हैं तो आपने देखा है कि उसमें से बहुत तेजी से बबल्स जो है बाहर आते हैं तो वो बबल्स कोई और नहीं होता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जल्दी से वो उसमें से बाहर निकलना चाहते वो एस्केप करना चाहते हैं बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैस द वाटर इन द लेक रिवर सी एज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन इट यानी कि नदी तालाबों और समुद्रों के पानी में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिसॉल्व होता है सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वाटर यूज़ द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड फिश ब्रीथ द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर तो इसीलिए बच्चों की ये कुछ गैसेस हैं जो कि पानी में डिजोल्व होते हैं जिसके कारण वाटर एनिमल्स आसानी से पानी में ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकते हैं सो चिल्ड्रेन आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो आपका ये चैप्टर टेन है दैट इज़ ओवर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू चैप्टर इलेवन ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग